मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन वजीर आजम की नेटो सरबराही इजलास में यूक्रेन के सदर से मुलाकात। ज़ेलेंस्की ने जंग के दौरान कैनेडा की तमाम हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। ट्रूडो का यूक्रेन की हिमायत जारी रखने के अजम का आदा। टोरंटो की नई मेयर की तकरीब हलफ बर्दारी। ओलिविया चाओ का कहना है कि हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। चाओ को सस्ती रिहाइश समेत बहुत से चैलेंजेस का सामना है। टोरंटो में एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से जारी तूफान के इंतबाहात ख़त्म। शहर के कुछ इलाकों में बड़े ओले पड़ने और तेज़ हवाओं की इतला। बुध की शाम से शहर में हल्की बारिशों का सिलसिला शुरू होने की तवक्को। अक्वामे मुत्तहदा सलामती कौंसल में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर। कुरान पाक की बेहुरमती घिनौना अमल है जिसका कोई जवाब कबूल नहीं। सऊदी वजीर खारजा का सलामती कौंसल से खिताब। नेटो सरबराहान का यूक्रेन को इत्तेहाद में शमूलियत का टाइम फ्रेम देने से इनकार। नेटो रहनुमाओं का कहना है कि यूक्रेन को मुस्तकबिल में फौजी इत्तेहाद में शामिल होने के काबिल होना चाहिए। मास्को की नेटो के सरबराही इजलास पर तनकीद। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने नेटो सरबराही इजलास में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत की। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने नेटो सरबराही इजलास में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत की एक दिन बाद, जब यूक्रेन के सदर ने अपने मुल्क को वाज़ह दावत देने में नाकामी पर इत्तेहाद पर तनकीद की। रहनुमाओं ने खुशगवार बातों का तबादला किया। ज़ेलेंस्की ने जंग के दौरान कैनेडा की तमाम हिमायत पर शुक्रिया अदा किया और ट्रूडो ने वादा किया कि जब तक उसकी ज़रूरत होगी जारी रहेगी। ये ज़ेलेंस्की की मंगल के मुकाबले में मुख्तलिफ लहजा था जब उन्होंने कहा कि यह मसहका खेज है कि नेटो रहनुमाओं ने यूक्रेन के रुकन बनने के लिए कोई टाइम लाइन मुतय्यन नहीं की। नेटो रहनुमाओं ने एक बयान में कहा कि यूक्रेन के पास कुछ शराइत हैं जिनमें जमहूरी इस्तेहाद और बदउनवानी पर मोहर लगाना शामिल है, लेकिन सबसे बढ़कर नेटो का कहना है कि रूस के साथ जंग पहले ख़त्म होनी चाहिए। आज नई नेटो यूक्रेन काउंसिल का पहला इजलास भी हो रहा है, जिसका मकसद ताल्लुकात को गहरा करना होगा क्योंकि यूक्रेन इत्तेहाद की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। ओलिविया चू टोरंटो की 66वीं मेयर के तौर पर हलफ उठाने जा रही हैं, जहां वो सिटी हॉल में एक नए दौर का आगाज करेंगी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। ओलिविया चू टोरंटो के 66वें मेयर के तौर पर हलफ उठाने जा रही हैं, जहां वो सिटी हॉल में एक नए दौर का आगाज़ करेंगी। फरवरी में जॉन टोरी के इस्तीफे और रुखसती के बाद से ये जिम्मेदारियां डिप्टी मेयर जेनिफर मैक कैलवी के पास थीं। इस मौके पर मैक कैलवी ने कहा कि ये उन तमाम रिहायशियों की वजह से एक अजीम शहर है जो टोरंटो को घर कहते हैं, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतने सारे मोहल्लों और तमाम 25 वार्ड्स में लोगों से मिलने का एहसास हासिल हुआ। मैं अपने काउंसिल के साथियों, शहर के अमले, मेयर के दफ्तर के अमले और अपने हलके के दफ्तर के अमले के साथ साथ अपने ख़ानदान और दोस्तों का शुक्रिया अदा करती हूं, जिन्होंने उन 144 दिनों में मेरा साथ दिया। मैक कैलवी ने कहा, इजाफी सूबाई और विफाकी मदद के बगैर 2024 के लिए मुश्किल फैसले करने की ज़रूरत होगी। उनका कहना था कि चाओ को बहुत सारे मसाइल विरासत में मिले हैं, बशमूल
बजट की एक बड़ी कमी सरे फहरिस्त, जबकि कुछ अहम मामलात पूरे किए जा चुके हैं, जैसे कि ट्रांजिट और हाउसिंग से मुतालिक टोरंटो के 2022 के शॉर्ट फॉल के लिए सूबे से $235 मिलियन। चाओ का कहना है कि मेरा बुनियादी पैगाम यह है कि आइए मिलकर काम करें, हम एक साथ मजबूत हैं, इसलिए मैं इंतजार नहीं कर सकती। चाओ ने इस बात की तस्दीक की कि सिटी काउंसिलर्स वो करते रहेंगे जो वो करना पसंद करते हैं, वो जिस तरह से अपना हिस्सा डालना चाहते हैं उसमें हिस्सा डालेंगे और उन 3 सालों में जो कुछ वो करना चाहते हैं उसे पूरा करें जो हमारे सामने है। नाकदीन ने कहा कि चाओ की मुहिम पॉलिसी की तफसीलात पर रोशनी थी, फिर भी उसने तब्दीली के एक वसी पैगाम पर जोर दिया है और टोरंटो को ज्यादा सस्ती और देखभाल करने का वादा किया है, खास तौर पर शहर के सबसे ज्यादा कमजोर लोगों के लिए। एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से मंगल की शाम को टोरंटो और जीटीए के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ तूफान के इंतबाहात खत्म हो गए हैं, जबकि कुछ इलाकों में बड़े ओले पड़ने और तेज हवाओं की इत्तला है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से मंगल की शाम को टोरंटो और जीटीए के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ तूफान के इंतबाहात खत्म हो गए हैं, जब कुछ इलाकों में बड़े ओले पड़ने और तेज हवाओं की इत्तला है। एनवायरनमेंट कनाडा ने खबरदार किया है कि जब मौसम का इंतबाह फाल था तो 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से झोंकों के साथ साथ निकल टू पिंग पोंग बॉल साइज के ओले भी गिर सकते हैं। एनवायरनमेंट कनाडा के मुताबिक शहर में सुबह के औकात में धूप निकली रहेगी और फिर दोपहर के आखिर में बिखरी हुई बारिश और गरज चमक के साथ तूफानी हवाएं चलने का इम्कान है। ह्यूमिडेक्स 38 तक बढ़ गया। बुध की शाम से शुरू होने वाला हल्की बारिशों का सिलसिला हफ्ते तक जारी रह सकता है। सऊदी अरब ने स्वीडन में कुरान पाक को जलाने की नापाक जसारत की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि ऐसे घिनौने काम का कोई जवाब कबूल नहीं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब ने स्वीडन में कुरान पाक को जलाने की नापाक जसारत की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि ऐसे घिनौने काम का कोई जवाब कबूल नहीं। अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने कुरान करीम की बेहुरमती के खिलाफ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर कर ली। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की जानिब से पेश की गई करारदाद की हिमायत में 28 ममालिक ने वोट दिया। 12 अरकान ने मुखालफत की जबकि 7 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीका और यूरोपीय यूनियन ने सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की जानिब से पेश करदा करारदाद की मुखालफत की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक करारदाद में मजहबी मनाफरत की मजम्मत की गई और कुरान पाक की बेहुरमती में मुलविस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर दिया गया। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने इंसानी हकूक काउंसिल के हंगामे इजलास से वर्चुअल खिताब में बैनुल मजाहिब हम आहंगी के फरोग पर जोर देते हुए कहा कि आलमी बिरादरी तौहीन मजहब के वाकयात के सदेबाब के लिए अपनी भरपूर तवानाइयां सर्व करे। वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने अक़वामे मुत्तहिदा को मुखातिब करते हुए कहा कि सऊदी अरब मजहबी मुनाफरत का मुकाबला करने के लिए पेश की गई करारदाद के मुसव्वदे की मंजूरी का मुंतजर है। आलमी बिरादरी और तंजीमों को ऐसे जारहाना वाकयात को रोकने के लिए इकदाम करना होंगे। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराहान ने यूक्रेन को फौजी इत्तेहाद में शमूलियत का टाइम फ्रेम देने से इनकार कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराहान ने यूक्रेन को फौजी इत्तेहाद में शमूलियत का टाइम फ्रेम देने से इनकार कर दिया। तमाम रहनुमाओं ने ऐलान किया कि यूक्रेन का मुस्तकबिल नेटो में है, लेकिन उन्होंने इस अमल के लिए कोई टाइमलाइन पेश नहीं की। दूसरी जानिब मास्को ने नेटो के सरबराह इजलास पर तनकीद की और खबरदार किया है कि जंग के बढ़ने की सूरत में यूरोप को सबसे पहले तबाहकुन नतायज का सामना करना पड़ेगा। 31 रुकन ममालिक के रहनुमाओं ने मंगल को लिथुआनिया के दारुल हुकूमत विल्नियस में 2 रोजा सरबराह इजलास का आगाज किया, जब यूक्रेन की फौजें अपने मुल्क के कुछ हिस्सों पर काबिज रूसी अफवाज के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में अहम कामयाबियां हासिल करने की जद्दोजहद कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेटो के रहनुमाओं का कहना है कि यूक्रेन को मुस्तकबिल में फौजी इत्तेहाद में शामिल होने के काबिल होना चाहिए, लेकिन वो सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को नाराज करते हुए कीव को फौरी तौर पर दावत देने से बाज रहे। इजलास के ऐलामिये में कहा गया कि जब हम इस पोजिशन में होंगे कि इत्तेहादी मुत्तफिक हों और शराइत पूरी हो जाए तो हम यूक्रेन को इत्तेहाद में शामिल होने की दावत देंगे। ऐलामिये में शराइत की वजाहत नहीं की गई, ताहम यूक्रेन के लिए एक शर्त को खत्म कर दिया जिसे मेंबरशिप एक्शन प्लान कहा जाता है। मंगल को होने वाले सरबराह इजलास में यूक्रेन के लिए कई फौजी पैकेजेस का भी ऐलान किया गया। दूसरी जाने मास्को ने नेटो के सरबराह इजलास पर तनकीद की और खबरदार किया कि जंग के बढ़ने की सूरत में यूरोप को सबसे पहले तबाहकुन नतायज का सामना करना पड़ेगा। क्रिमलिन के तर्जुमान दैमतरी पेस्कोफ ने कहा कि मुमकिन तौर पर यह मसला यूरोपीय सलामती के लिए बहुत खतरनाक है और इसलिए फैसला करने वालों को इससे आगाह होना चाहिए। यूरोपीय रहनुमा ये नहीं समझते कि नेटो के फौजी ढांचे को रूस की सरहदों की तरफ मुंतकिल करना एक गलती थी।
टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।